हाँ जी, क्या हाल चाल? तो जी, मेरा नाम अजय है और मैं उस कंट्री में रहता हूँ जहाँ से यामाहा, सुजुकी, होंडा, कावासाकी आते हैं, अर्थात जापान। तो जापान में जब मेरा और बाइक का स्वयंवर होना था तो ऑप्शन बहुत सारे थे, जैसे GB350, यामाहा बोल्ट, होंडा रेबल, हस्क्वाना और भी बहुत सारी बाइक्स थी, लेकिन हमारा दिल आया बस एक पर, रॉयल एनफील्ड की क्लासिक रिबॉन 350। और मैंने यही बाइक क्यों ली, ये वीडियो के एंड में बताता हूँ। वैसे ये बाइक मुझे लिए हुए 7-8 महीने हो गए हैं और जापान में ज़्यादातर लोगों को रॉयल एनफील्ड के बारे में पता नहीं है, लेकिन 7-8 महीने में मैंने इस बाइक की जितनी तारीफ सुन ली उतनी तो उर्वशी रौटेला ने अपनी नहीं करी होगी। ब्रह्मांड में सबसे कम उम्र की सबसे खूबसूरत महिला। तो इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा कुछ बातें जो मेरी जैपनीज लोगों के साथ हुई थी इस बाइक को लेकर। और हाँ, ये रिएक्शन वीडियो इंटरनेट पर पड़ी बाकी रिएक्शन वीडियो जैसी नहीं है। इसमें मैं क्राउड में जाके थ्रॉटल नहीं दूंगा और ना ही लड़की के बगल में कट मार के निकलूंगा और ना ही मैं रोड पे ओवर स्पीडिंग करूंगा। ये रिएक्शन बस एक नॉर्मल कन्वर्सेशन के फॉर्म में है जो कि कैमरा में कैद हो गए, तो बिना तड़का लगाए चलिए शुरू करते हैं। तो ये बात उस जमाने की है जब मैं गया था मोटो कैंपिंग करने और वहां रुका था मैं एक जगह लघुशंका के लिए। लघुशंका का अर्थ होता है पेशाब करना। और वहां मिले थे मुझे कुछ राइडर्स और उनसे ये बातें हुई थी मेरी। सुगोई बोल के अंकल ने चारों तरफ से बाइक को निहारा। तब तो मैं उनके एक्सप्रेशन में गौर नहीं कर पाया था, लेकिन अब एडिट कर रहा हूँ तो दिख रहा है उनके चेहरे की स्माइल। अच्छा, थोड़ी बहुत गप्पे लड़ा के मैं तो हल्का उल्ने निकल गया, लेकिन कैमरा मैंने खुला छोड़ दिया था और मेरे पीठ पीछे हुई बातें भी रिकॉर्ड हो गई थी। तो उस टाइम पे तो मैं रिकॉर्डिंग चेक नहीं कर पाया, मैंने बाइक उठाई और मैं वापस रोड पे निकल गया। काश बता पाता कि मैं इंडिया से हूँ और बाइक भी मैंने अमेरिका से नहीं, यही जापान से ली है। तो अब चलते हैं अगली कन्वर्सेशन पर। तो ये मैं एक अमेरिकन कैफे में गया था और उसके ओनर को कार और बाइक्स का बहुत शौक था और उसने मेरी बाइक देखी और कहा मैं इसकी पिक लेके अपने इंस्टा पे डाल सकता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल सर। पिक लेने के बाद उन्होंने हमारी फोटो इंस्टाग्राम पर डाली और पूछा ये आखिर बाइक है कौन सी कंपनी की, क्योंकि बाइक पर सिर्फ लिखा हुआ था मेड लाइक अ गन और आर ई। तो जब राइडर्स वगैरह इस बाइक की तारीफ करते हैं तो अच्छा लगता ही है क्योंकि उन्हें इंजन और बाइक की नॉलेज होती है, लेकिन जब नॉन राइडर्स इस बाइक की तारीफ करते हैं तब ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे कि ये दादी जी मुझे मिली थी पार्किंग में जब हम दोनों ही पहाड़ चढ़ के वापस आ रहे थे। वैसे इस वीडियो के काफी रिएक्शन पुराने व्लॉग में से हैं, तो आप अगर पूरा व्लॉग देखना चाहते हो तो देख सकते हो। जैसे कि यहाँ इन आंटी ने मुझे फ्री में खाना पैक करके दिया था और उसके बाद तारीफ करी थी। インドのメーカーです。はい。インドのメーカーではタタヤ。じゃあまた。ありがとうございます。またね、チャコ。
रॉयल एनफील्ड सचिन दिस कभी तो होना है तोरे क्लासिक के सामने को बजे इंदो तो बेचा यू मैं वाते सिमो इंदो तो उमुता सो तो मैं बैलेंस का ही था करा चुप्पन और यहाँ से रॉयल एनफील्ड इंदो नमे का दिस सचिन तो इस तरह की कन्वर्सेशन मेरे साथ बहुत बार हुई हैं। कभी कैमरा ऑन होता है तो मोमेंट कैप्चर भी हो जाते हैं, वरना कई बार तो बातें रिकॉर्ड भी नहीं हो पाती। और एक दो राइड्स में तो मेरा पूरा डाटा ही करप्ट हो गया था, उनकी बस ऑडियो बची है। खैर छोड़ो, तो आगे मैं दो कन्वर्सेशन और शेयर कर रहा हूँ जो मेरी लास्ट कैंपिंग वीडियो से है। तो अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो आप ये सेक्शन स्किप कर सकते हैं। तो एक कन्वर्सेशन तब की है जब मैं कैंप लगा के खाना लेने सुपरमार्केट जा रहा था, और जब मैं बाहर निकला तब एक बूढ़े अंकल मेरी बाइक बड़े ध्यान से देख रहे थे। हाजुमेते इमोनो मिमाश्ता। इसका लिटरल ट्रांसलेशन ये है कि उन्होंने पहली बार इतनी अच्छी चीज़ कोई देखी है, और इसके लिए मुझे उन्होंने थैंक यू भी बोला। अंकल ने ये भी बताया कि वो अपनी जवानी के टाइम पे बहुत बाइक चलाते थे, लेकिन अब वो एज की वजह से बाइक नहीं चला पाते, लेकिन उनका इंटरेस्ट बाइक्स को लेकर अभी भी उतना ही है। वो अभी भी बाइक की मैगजीन वगैरह पढ़ते रहते हैं, और उन्हें रॉयल एनफील्ड के बारे में वहीं से सुना था। अच्छा, कई लोग कमेंट में बोल रहे थे कि अंकल को राइड दे देनी चाहिए थी। मन तो मेरा भी था, लेकिन क्या है, जापान में अभी भी लोग कोविड को लेकर बहुत कॉन्शियस हैं। खासकर कंट्री साइड एरिया में तो लोग मास्क लगा के भी घूमते हैं, तो मैंने खुद से इनिशिएटिव लेना ठीक नहीं समझा। अगर अंकल खुद बोलते तो मैं बिल्कुल मना नहीं करता। おしゃれなバイク欲しいなってなったら何買おうかなって思ってた時に目に留まったのがエンフィールドクラシック。あ、これはリボン。リボン。クラシックリボン。クラシック500は違う。ちょっと違う。リボンはちょっと違う。リボンはちょっと新しいものです。インジェクション。そうそうそう。インジェクション。その方が安心。でも新しい全部バイクにできちゃった。できますね。気をつけて。ありがとうございます。ありがとうございます。तो जी, ये तो थी कुछ बातें जो मेरी लोगों के साथ हुई थी।
भले ही जापान में रॉयल एनफील्ड का ब्रांड अवेयरनेस कम हो, लेकिन लोग एक बार मुड़के जरूर इस बाइक को देखते हैं। और ज़्यादा अच्छा इसलिए भी लगता है क्योंकि रॉयल एनफील्ड का नाम इंडिया से भी जुड़ा हुआ है। पूरी की पूरी बाइक बहुत सालों से इंडिया में बन रही है। अब आते हैं मेन सवाल पर कि होंडा, यामाहा, सुजुकी के देश में मैंने रॉयल एनफील्ड क्यों चुनी। तो जी, ऐसा है कि मैं आता हूँ ये मिडिल क्लास फैमिली से, और मिडिल क्लास लड़कों के पास जब भी थोड़ा बहुत पैसा आता है ना, तो वो ट्राई करते हैं सबसे पहले घर वालों के लिए घर लेने का, भले ही वो लोन पे ही क्यों ना हो। और उसके बाद सपना होता है मोटरसाइकिल। तो जी, मैं पुलिस बटालियन में पढ़ा हूँ और मैंने हर तरह बुलेट ही देखी है। तो जी, जापान में जैसे ही मुझे लाइसेंस मिला, मैंने रॉयल एनफील्ड को लिस्ट में सबसे ऊपर रखा। बस सर्विस सेंटर का कन्फ्यूजन था, और जैसे ही मुझे ये पता लगा कि रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर ओसाका में 3-4 हैं, तो मैंने भाग के यही बाइक बुक कर ली। और फ्रॉम दैट टाइम नो रिग्रेट्स। माना थोड़ी खामी है, जैसे किक स्टार्ट नहीं है और बैटरी खत्म होने पर धक्का देकर स्टार्ट करना पड़ता है, नदी किनारे बाइक फंस जाए तो 200 किलो की डेडलिफ्ट लगानी पड़ती है, लेकिन क्या करें, कुछ ना कुछ तो खामी सब में ही होती है ना। Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down.